तुम्हें शोहर की कोई फिक्र ही नहीं है। और वहां दूसरी तरफ आफरीन ने पता नहीं क्या मुर्तजा पे जादू कर दिया है। कभी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, कभी छत पर टहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ किंजा? ये आप मुर्तजा से पूछें और आफरीन को समझाएं कि अपने शोहर को छोड़ के मेरे शोहर को क्यों टाइम देती रहती है। शायद तुम्हें इल्म नहीं है, तुम्हारे बाद आफरीन ने मुर्तजा को एक सेकेंड जो अकेला छोड़ा हो। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो तुम्हारे जाने का ही इंतजार कर रही थी। लेकिन किंजा एक बात जरूर है, तुमने ना आफरीन को सबक सिखाने के बहुत सारे मौके छोड़े हैं। तो क्या करूं, तुम बता दो क्या करूं। जहांजेब के सर के ऊपर तो उसकी मोहब्बत का भूत सवार है। उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर अब तुमने उसके खिलाफ कोई भी बात की ना तो तुम्हें और मुर्तजा को निकाल के घर से बाहर फेंकूंगा। वैसे जहांजेब तुम्हारा ना कभी नहीं हो सकता, उसे भूल जाओ तो बेहतर है। और तुम मुर्तजा को भूल जाओगी? जानी मुर्तजा कभी मेरा था ही नहीं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार किंजा ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है ना सोफी के आने की वजह से जहांजेब आफरीन को निग्लेक्ट कर रहा है, और आफरीन को किसी ना किसी के सहारे की तो जरूरत थी, वो उसने मुर्तजा में तलाश कर लिया। और तुम्हें पता है वो दोनों बचपन के दोस्त हैं यार। बस मुझे अब किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जब इंसान का दिमाग बंद हो जाए ना तो आंखें खुली भी हो उसको कुछ नजर नहीं आता। सही है,